हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 8 तक डील कर चुका हूँ। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लें, और इससे रिगार्ड में ठीक है कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, आप उस ग्रुप में आके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें लेटेस्ट अपडेट्स मैं न्यू वैकेंसीज के बारे में बताते रहता हूँ। सो दोस्तों, अभी हम लोग सेक्शन 9 को डील करते हैं। सेक्शन 9 आपको जब भी कंडीशन बॉन्ड का जो होता है वो फेल हो जाए, ऑफेंडर उसको पूरा करने में फेल कर दे, उसको ऑब्जर्व करने में फेल कर दे, फिर क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, तो उसको समझेंगे। सेक्शन 9 कहता है आपको, प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड को वो फेल कर देता है कंडीशन को, ठीक है, फिर क्या होगा। इफ द कोर्ट, क्लॉज 1 में कह रहा है, इफ द कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंडर और एनी कोर्ट विच कुड हैव डील्ट विद द ऑफेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओरिजिनल ऑफेंस हैज ए रीजन टू बिलीव ऑन द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर और अदरवाइज द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड्स इंटर्ड इन टू बाई हिम, इट मे इशू अ वारंट ऑफ हिज अरेस्ट इफ इट थिंक फिट, इशू अ समन टू हिम एंड हिज सिक्योरिटीज इफ एनी सच टाइम। अब इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अगर ऑफेंडर जो है बॉन्ड के किसी भी कंडीशन को ऑब्जर्व करने में फेल हो जाता है तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है इस ऑफेंडर के नाम पे वारंट इशू होगा। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि वारंट सीआरपीसी में कहाँ डिफाइंड है, ठीक है, ओके। और सियोरिटीज जो इसके बदले में बेचारा बॉन्ड भरा था उसका क्या होगा, इसके खिलाफ भी क्या अरेस्ट वारंट आएगा, तो नहीं, इसके खिलाफ क्या आएगा, समन आएगा। ये आप लोग समन, दोस्तों आप ये भी बताएंगे समन सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, ठीक है, ओके। ये कह रहा है सबसेक्शन 1, यानी ऑफेंडर को वारंट इशू होगा और आपको सिक्योरिटीज के नाम पे समन इशू होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबसेक्शन 2 कह रहा है, द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज ब्राउट और अपियर्स मे आइदर रिमांड हिम कस्टडी अंटिल द केस इज कंडक्टेड और इट मे ग्रांट हिम बेल विद और विदाउट सिक्योरिटी टू अपियर ऑन द डेट ऑफ द फिक्स। में कह रहा है कि अगर वो कोर्ट को ऐसा लगता है, ठीक है, कि ये जो ऑफेंडर जो है माने ठीक नहीं है, ये कुछ जो है गलत सलत काम करेगा, तो उसको क्या करेगा, रिमांड पे भेज देगा, ठीक है, ठीक है, रिमांड पे भेज देगा जब तक कि केस उसका जो है कंक्लूड ना हो जाए, केस यानी ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। और या फिर उसको बेल पे छोड़ेगा, लेकिन बेल पे छोड़ सकता है विद और विदाउट सिक्योरिटी, लेकिन कहेगा कि आप जो है एक डेट फिक्स होगा, उस डेट पे जो है बिना कंडीशन के आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा सबसेक्शन 2, ओके। सबसेक्शन 3 में क्या कहता है, इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड्स इंटर्ड इन टू बाई हिम, इट मे फोर्थविथ अ सेंटेंस हिम फॉर ओरिजिनल ऑफेंस। क्या करेगी अगर फेल करे तो क्या क्या हो सकता है, अगर वो ऑफेंडर फेल होता है अपने कंडीशन को फुल करने, ये बॉन्ड है, बॉन्ड का पेपर है, ठीक है, इसके जो भी कंडीशन है उसको फेल कर दिया ऑब्जर्व करने में, तो क्या क्या हो सकता है, उसको सेंटेंस हो सकता है यानी सजा हो सकता है, जो भी वो अपराध किया यानी चोरी किया है तो चोरी में जो सजा है वो हो सकता है, ठीक है। दूसरा, वेयर द फेल्योर इज फॉर फर्स्ट टाइम देन विदाउट प्रिजुडिस टू द कंटिन्यूएंस
in force of the bond impose him a penalty not exceeding 50 rupees. ठीक है, अगर वो फर्स्ट टाइम ऐसा कंडीशन को ब्रीच किया है, ये पहली बार हुआ है, ठीक है, ऑफेंडर से अगर ये पहली बार कंडीशन को ब्रीच किया गया है तो उसको क्या करेगा, 50 रुपये का जुर्माना भर के छोड़ दिया जाएगा। ये 50 रुपीज़ क्यों है, क्योंकि ये 1958 का लेजिस्लेशन है, 1958 में 50 रुपीज़ का वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 आपको कहता है, इफ़ अ पेनाल्टी इम्पोज अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 3 इज नॉट पेड, अगर 50 रुपया नहीं दे पाएगा तब क्या होगा, द कोर्ट मे फिक्स द कोर्ट मे सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर ओरिजिनल ऑफेंस, तो उसको 50 रुपया नहीं देने के जुर्माना में क्या करेगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑफेंडर को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके रिगार्ड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।